नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के समय में एसयूवी ट्रेंडिंग है, हर कोई इसे लेना चाहता है। 12 से 13 लाख रुपए यदि आपका बजट है और कोई एसयूवी ही आप स्पेशली मार्केट में देख रहे हैं तो ग्रैंड विटारा, सिग्मा या डेल्टा वेरिएंट में से कोई एक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है या नहीं, आज जानने की कोशिश करते हैं। पूरी जानकारी देंगे आपको, अंत तक जुड़े रहें। BS 6.2 फेज की रिसेंटली लॉन्च हुई गाड़ियाँ हैं ये। एथेनॉल 20% जो पेट्रोल है उसके लिए कंपेटिबल इस इंजन को बना दिया गया है, तो मोर क्लीनर और पोल्यूशन फ्री फ्यूल रहेगा है दोस्तों। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी गाड़ियाँ फेज टू में आएंगी BS 6 के, वो कम पोल्यूशन फैलाएंगे BS 6 के मुकाबले, तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से एड ऑन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। बेस मॉडल एक्सशोरूम प्राइस अब 25,000 रुपये महंगा हो चुका है, 10,70,000 रुपये मिल रहा है आपको, और डेल्टा 11,90 में पहले मिलता था, मिल रहा है 12,10,000 रुपये में। तो बहुत ज़बरदस्त बात है दोस्तों, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी यदि आप लेना चाहते हैं कोई गाड़ी तो प्लान कर सकते हैं। ये जो कॉस्ट है, भविष्य इस प्रकार से रुझान चल रहा है कि आगे भी बढ़ने की संभावना पूरी पूरी है। जाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये जो ग्रे कलर है बेहद ही शानदार दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉकयार्ड में गाड़ी खड़ी है तो थोड़ी सी पे डस्ट लगी होगी, उसके लिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से जो दोनों गाड़ियाँ हैं इनका लुक एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, कोई भी चेंज नहीं है। ये जो वेरियंट आपका डेल्टा है, ये आपका सिग्मा है, दोनों में प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं आपको, LED नहीं मिलेंगे। जो ऊपर DRL हैं वो बाई फंक्शनल आपका टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं और DRL का भी। अभी मैंने हजार लाइट ऑन कर रखी है तो देखिए किस प्रकार से ब्राइटअप होते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से। इस गाड़ी में सबसे बेहतरीन जो बात मुझे लगी है, क्योंकि पर्सनली मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ, कि बेस से जो टॉप मॉडल हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। तो आमतौर पर यदि अलॉय व्हील वगैरह इंस्टॉल करा लेते हैं तो आपको पता ही लगना मुश्किल हो जाएगा कि ये छोटे वाला वेरिएंट है और टॉप वेरिएंट है दोस्तों। इतने जबरदस्त तरीके से मैनेज किया है कंपनी ने, और सही मायने में सेगमेंट में पेट्रोल इंजन का जो ट्रेंड था वो इसी गाड़ी ने सेट किया है। ना तो सभी डीजल गाड़ी लेना पसंद करते थे क्योंकि बेहतर माइलेज निकाल के देती थी वो, लेकिन ये गाड़ी पेट्रोल होने के बावजूद भी आपको बड़ा बेहतरीन माइलेज निकाल के देती है, चाहे आप स्मार्ट हाइब्रिड ले लीजिए या फुल हाइब्रिड। स्किड प्लेट दोनों में सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है आपको। जो मेन ग्रिल है उसमें क्रोम का इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से किया गया है, देखिए बड़ा ही बेहतरीन और एक अब मार्केट फील कराता है। ये दोनों वेरिएंट में एक्जैक्टली सेम रहने वाला है, कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं की गई है। बाकी ग्रिल का जो पार्ट हो पियानो ब्लैक में मिलेगा आपको, देखिए ग्लोसी ब्लैक है, ये भी अच्छा फील कराता है। थोड़ा सा डस्ट मैग्नेट जरूर होता है ये, लेकिन अच्छा महसूस कराता है दोस्तों। फोगलैम का आजकल जो ट्रेंड है, कंपनी बड़े स्मार्ट तरीके से प्ले करने लगी हैं, कॉस्ट बचाती हैं वो, क्योंकि इस लाइट को आप देख रहे हैं नीचे बम्फर में रखा गया है तो दोनों काम करता है ये, फॉग लैम्प का भी और हेडलैम्प का भी। लेकिन इसमें भी आपको जो लाइट है मेरे हिसाब से चेंज करा ही लेनी चाहिए खरीदने के बाद, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा नहीं है। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको, और जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है, देखिए प्रॉपर SUV तो नहीं बोल सकता मैं इसको, लेकिन सॉफ्ट खराब रास्ते वगैरह या सॉफ्ट ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं आप इससे, क्योंकि गाड़ी की हाइट अच्छी है नीचे से, ग्राउंड क्लियरेंस जिसे बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा बम्फर हल्का सा सैम्पर्ड है ऊपर की तरफ, तो ज़्यादा कुछ रास्ते में जो गड्ढे वगैरह होंगे या पत्थर वगैरह होंगे उसके ऊपर से गाड़ी को धीरे धीरे यदि चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ एक प्लास्टिक क्लैडिंग मिलती है आपको, पूरे तरीके से रन करती है गाड़ी के, नीचे से एक्सीडेंटली कहीं टच वगैरह हो जाए तो स्क्रैच से डेंट से बचा के रखती है, और एक माचो लुक भी देती है गाड़ी को। स्टांस मिलता है SUV में प्रॉपर जरूर मिलेगा आपको। 17 इंच के स्टील रिम मिलते हैं, ये दोनों वेरिएंट्स में एक्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, देखिए दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। टायर की जो प्रोफाइल है वो भी एक्जैक्टली सेम रहने वाली है, 215/60। ये जो मोटाई है 60% डिसेंट है, इसकी राइड क्वालिटी अपनी श्रेणी में वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों, बहुत पसंद आएगी आपको। जो ORVM है देखिए बॉडी कलर के मिलते हैं आपको, उसी के ऊपर LED टर्न इंडिकेटर है, ये दोनों वेरिएंट्स में एक्जैक्टली सेम रहने वाला है। और उससे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल मिलते हैं ये, वेलकम फंक्शन के साथ नहीं आते हैं, आपको वहाँ एक बटन दिया गया है इसकी जॉकी के साथ में, उससे फोल्ड या अनफोल्ड करने पड़ेंगे आप। रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ मिलते हैं आपको, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये कॉमन है, चाहे बेस मॉडल ले लीजिए या बेस से ऊपर वाला वेरियंट ले लीजिए आप। शार्क फिन एंटीना दोनों वेरियंट्स मिलेगा आपको, पीछे डी फोगर दोनों वेरियंट से मिल रहा है आपको, देखिए ये जो लाइनें आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी। मुझे सबसे ज़्यादा इसका जो पसंद आता है लुक आता है पीछे से, यहाँ से एकदम ये प्रीमियम और एक हाई एंड गाड़ी वाली फीलिंग देती है आपको, देखिए दोनों साइड बाय साइड, और एग्जैक्टली जो टेल लाइटें हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी फर्क नहीं है उसमें। नीचे जो पोर्शन रहेगा छोटा सा, उसमें आपका टर्न इंडिकेटर, रिवर्स गियर के लिए लाइट, और नीचे मिलता है एक रिफ्लेक्टर,
उसमें लाइट नहीं है जो लोअर पोर्शन है, और पीछे पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको चार। ये स्मार्ट हाइब्रिड आपकी एचएचवीएस सिस्टम को सपोर्ट करती है, सेमी हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम, ये पेटेंट है मारुति सुजुकी का। उससे आपको क्या होता है, जब पिकअप वगैरह नहीं कोशिश करते हैं तो हल्का सा बूस्ट मिलता है, एक छोटी जो बैटरी रखी हुई है को ड्राइवर सीट के नीचे, उससे एक इलेक्ट्रिक मोटर रन करती है, रोसिस करती है इंजन को पिकअप लेने में, उससे माइलेज भी बेहतर हो जाती है आपकी, जोर कम लगेगा इंजन का तो माइलेज अच्छी वो वैसे निकाल के देगा आपको। पीछे भी जो स्किड प्लेट है वो सिलिफ नीचे मिलती है, अच्छा एक बेहतरीन लुक देती है इसको, एक्सटेंडेड जिसे बम्फर गार्ड बोलते हैं ना बिल्कुल वैसा ही लुक देगा आपको, स्पोर्टी करेक्टर मिलता है इससे। अब और क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से शुरुआत हो जाती है फ़र्क की दोस्तों। पीछे कैमरा मिलता है आपको डेल्टा में, जो कि सिग्मा में नहीं मिलेगा, बाकी लुक एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंज नहीं है अगर आउटसाइड की बात की जाए तो। उसके बाद बात करते हैं बूट स्पेस की। यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिलेंगे, एक ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, ये है आपका रिक्वेस्ट सेंसर, यदि चाबी आपकी जेब में है तो खाली बूट को आप ओपन कर सकते हैं इसके माध्यम से, अनलॉक हो जाएगा वो, फिर उसको लिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन के माध्यम से। पीछे पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, दूसरा चेंज है दोस्तों, सिग्मा में आपको पार्सल ट्रे पीछे नहीं मिलती है, जो कि डेल्टा में भी देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके अलावा चेंज क्या है, यहाँ पर आपको बूट लैंप नहीं मिलता है, चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है 12 वोल्ट का, ये दोनों वेंट में एग्जैक्टली सेम मिलेंगे आपको। जो व्हील कवर है, जो बोर्ड, इसकी क्वालिटी बेहद शानदार, अच्छा खासा लोड ये ले सकती है। दोनों तरफ पॉकेट्स मिलते हैं आपको, टायर इन्फ्लेटर वगैरह या कोई एसेसरी आप रखना चाहते हैं तो दाएं बाएं नहीं जाएगी। 60-40 फोल्ड दोनों वेंट से मिलेगा आपको, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों वेंट मिलते हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर एक पैसेंजर के लिए अलग अलग मिलेगी दोस्तों, तो सेफ्टी का भी कायदा ध्यान रखा गया है। ये जबरदस्त चीज़ है दोस्तों, ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हों लेकिन ये चीज़ें वैल्यू बहुत ज़बरदस्त क्रिएट करती हैं। जैसे इसी चीज़ को ले लीजिए कि इसमें जो स्पेयर व्हील मिलता है एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल का मिलता है जो रेगुलर टायर है, तो किसी एक टायर में यदि दिक्कत आ जाती है तो आपका जो टायर का खर्चा बच जाएगा, स्पेयर व्हील को आप रेगुलर टायर के तौर पर यूज कर सकते हैं भविष्य में। इससे बेहतर बताइए और क्या कर सकती है कंपनी आपके लिए। अभी आपका डेल्टा वेरिएंट, तो यहाँ पार्सल ट्रे मिल रही है आपको जहाँ सिग्मा में नहीं मिल रही थी, दूसरा ये बूट लैंप मिल रहा है जो वहाँ नहीं मिल रहा था, ये 12 वोल्ट का सॉकेट आपको सिग्मा में नहीं मिलता है यहाँ मिलता है, बाकी ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है, बोर्ड वगैरह नीचे स्पेयर व्हील सेम प्रोफाइल रहती है, देखिए यहाँ पे लिख भी रखी है बिल्कुल सेम साइज है उसका, जो सीटें हैं वो एग्जैक्टली सेम फोल्ड होती हैं 60-40 में। ये इंटीरियर आपका साइड बाय साइड दिखा देता हूँ मैं, ये आपका डेल्टा है, ये सिग्मा है, देखिए जो डोर है रियर का एग्जैक्टली सेम रहने वाला है उसमें, यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है सॉफ्ट टच के तौर पे, ये प्लास्टिक हार्ड आपका, हालांकि डुअल टोन दिए नहीं कोशिश की गई है। पावर विंडो बटन है जिसमें लाइट नहीं जलती है, क्रोम डोर ओपनिंग हैंडल मिलते हैं, बोट होल्डर मिलते हैं, स्पीकर रिले कटआउट रहेगा, पीछे वाले विंडो में स्पीकर नहीं मिलता है सिग्मा में, जो कि आपको डेल्टा में मिलेगा, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब दिखाता हूँ आगे बढ़ के आपको सीटें वगैरह कैसी हैं, पहले सिग्मा की दिखा देते हैं। तो डुअल टोन दी गई है इसमें मैच करने के लिए, बीच में ये आपका बरगंडी रेड कलर है, बाकी ब्लैकआउट है, आइसोफिक्स, बिल्कुल सही सुना आपने, बच्चा वगैरह आपका ट्रैवल करता है तो सीट यहाँ एडजस्ट हो जाएगी आपकी, और बच्चा आसानी से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बैठ सकता है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, आर्म रेस्ट मिलता है दोस्तों बेस मॉडल से, देखिए ये आर्म रेस्ट मिलता है, इसमें एक लीवर है पीछे आसानी से अटक जाएगा तो बार बार परेशान नहीं करेगा आपको, और सीट बेल्ट मैंने बता रखी है कि स्पेशली मिलती है आपको पीछे बंदों के लिए। सीटिंग कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है 5 से 10 mm क्रेटा सेल्टोस से, लेकिन उसका आपको महसूस भी होगा अंदर बैठने के बाद, लेकिन जो कंफर्ट यदि बात किया जाए ना सीटों का वो बहुत लाजवाब, उनसे बेटर है। और ये सीटें दो पोजीशन में आप रिक्लाइन कर सकते हैं, पीछे की पोजीशन में देखिए, ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है और ये पीछे की तरफ, तो अच्छा एक लेआउट पोजीशन बेहतर कंफर्ट देती है आपको, स्पेस अच्छा है पैर रखने के लिए, बीच में एक हम्प जरूर मिलता है, छोटा बच्चा बैठा हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, तो थोड़ा सा स्पेस साथ वाले बंदों के साथ शेयर करना पड़ेगा उसको, झगड़ा होने की संभावना जरूर रहेगी। यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं आपको, नीचे फ़ोन रख सकते हैं आप लेकिन चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, बाद में एज एन एसेसरी आप लगवा सकते हैं। मैगजीन पॉकेट दोनों तरफ मिलेंगे आपको, इस समय आप सिग्मा मॉडल देख रहे हैं, और उससे ही अच्छी बात देखिए ये लाइट मिल रही है आपको दोनों तरफ लीवर के ऊपर, जो ऊपर आपका ग्रैब हैंडल ना, तो ये दोनों तरफ मिलेगी आपको इधर भी और इधर भी। इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं आप डेल्टा के साथ, तो जो लेआउट वगैरह है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, सेम रीडिंग लाइन वगैरह मिलते हैं आपको, जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ दो दो चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं आपको, देखिए एक आपका सी टाइप है एक ए टाइप है,
ये फर्क है जो आपको सिग्मा में नहीं मिलेगा, बाकी चीजें सेम टू सेम वैसी रहेंगी। और एक स्पीकर पीछे मिलता है इसमें, जैसे मैंने बताया है, वो सिग्मा में नहीं मिलेगा। अब फ्रंट सीटें बात करते हैं, यहाँ क्या मिलता है आपको भाई, क्या जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करती है दोस्तों ये गाड़ी। सभी पावर विंडो वगैरह एग्जैक्टली सेम, बटन वगैरह मिलते हैं आपको, बड़े ही शानदार और मजा आ जाता है एकदम, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ड्राइवर साइड वाली जो है ऑटो अप डाउन दोनों काम करती है वो, देखिए लॉक अनलॉक जो ग्लासेस है उसको लॉक कर सकते हैं, बच्चे बार बार ना खोलें। यहाँ से जो देखिए ये फोल्ड हो रहा है ना, इस बटन को जैसे दबाएंगे अनफोल्ड हो जाता है, ये बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है। जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल है बेस मॉडल से ही, इसकी बोलस्टरिंग बहुत ज़बरदस्त की गई है, देखिए ज़बरदस्त है। और ये जो एक्सटेंडेड देख रहे हैं लंबा सपोर्ट, आपकी बैकबोन को बड़ा अच्छा फील कराएगी, ये लंबी ट्रैवलिंग वगैरह करेंगे आप तो थकावट वगैरह महसूस नहीं करेंगे। स्टेयरिंग व्हील पे वायरिंग होगी मिलती है आपको बटन के साथ, तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम आप लगवाएंगे तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है और ये कंट्रोल काम करने लग जाते हैं आपके। वाह भाई वाह, पुश बटन स्टार्ट वगैरह, हेडलाइट को लेवल करने के लिए टॉगल, यहाँ पर दिए गए हैं आपका हुड और फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए लीवर दोस्तों। डेड पेडल मिलता है आपको, अर्गोनॉमिक इशू बहुत कम है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग टॉप नॉच की गई इस गाड़ी के साथ। ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताता है कि गाड़ी के एक्चुअल में डोर कौन सा ओपन है, इस तरीके से ब्राइट अप होता है, ये स्वाइप वगैरह नहीं लेगा। बीच में एक MID है जिसमें अलग अलग जानकारी आप ले सकते हैं, यहाँ पे लीवर को जैसे दबाएंगे आप। ये गायरोस्कोप भी मिलता है, टॉर्क पावर वगैरह एक्सेलरेशन ब्रेकिंग कितनी की है, बैटरी से चल रहा है इंजन, मतलब बैटरी असिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, टू बी प्रीसाइज कहना है, मतलब ये है मेरा, ये सबसे ज़्यादा मेन और यूजफुल फंक्शन है इसका, जिसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी निकाल के देती है गाड़ी। काफ़ी सारी जानकारी है, अच्छी क्वालिटी का ये वही है जो बलेनो के टॉप मॉडल में मिलता है, मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों ये। यहाँ आप देखिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से, ऐसी चाबी मिलती है रिमोट के साथ, 5-speed का गियरबॉक्स मिलता है जो कि बहुत बेहतरीन है, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट मिलेगा आपको और काफ़ी दूर तक जाता है ये, अच्छी खासा रेस्ट आपकी एल्बो को ही देगा। इसके नीचे डिसेंट स्पेस मिलता है आपको, यहाँ दो कप होल्डर मिलते हैं, चाबी रखने के लिए जगह मिलती है, मैनुअल IRV में रहेगा, यहाँ पर डोर ओपनिंग लाइटें मिलती हैं, दोनों तरफ फ्लैप के साथ वैनिटी मिरर मिलेगा आपको सनशेड पे या सनवाइजर पे दोस्तों, ये भी काबिल तारीफ बात है। ये आप सिग्मा देख रहे हैं, लगेगा नहीं वैसे आपको कहीं से भी सिग्मा वेरियंट है, अच्छा खासा डीप आपको ग्लो बॉक्स मिलता है, कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी इसमें। इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं डेल्टा के साथ, इस गाड़ी में मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15 सीरीज का इंजन जो 103 BHP पावर बनाता है और आपकी जो टॉर्क रहेगी वो 137 न्यूटन मीटर की रहेगी। ड्राइवेबिलिटी बहुत शानदार है, ट्रिपल स्पीड पे 120 तक जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपको 6th गियर की थोड़ी सी कमी महसूस होने लग जाती है दोस्तों, लेकिन नेदरलैंड्स इंडिया की रोड इससे ज़्यादा आपको परमिट भी नहीं करती है स्पीड। ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक ऑटो वाला बटन जो इल्यूमिनेटेड रहेगा, बाकी आप में लाइट नहीं मिलती है किसी में भी। सेम सीटें वगैरह हैं, सेम लीवर वगैरह है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है सिग्मा के मुकाबले, कोई भी चेंज नहीं है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, एक जो फर्क है वो ये कि इसमें क्रूज मिलता है आपको, और दूसरा फर्क है यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं जो कि आपको सिग्मा में नहीं मिले थे। उसके बाद मिलता है आपको 7 इंच का ये प्रो सीरीज का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है दोस्तों, ये काफ़ी सारी जानकारी इसमें शो हो जाती है आपकी, देखिए यहाँ पे बताता भी है बड़े ग्राफिक्स के बड़े शानदार तरीके से कि बैटरी असिस्ट कर रही है इंजन को या नहीं कर रही है, बड़ा अच्छा फील कराती हैं चीज़ें, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह डिस्टेंस टू MT वगैरह इसमें सब कुछ मिलता है आपको वन टच के माध्यम से, और टोटली आपकी ड्राइविंग का जो सिनेरियो हो सारा शो करेगा ये। टच रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है, सच मायने में मैं कहूँगा सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन है दोस्तों ये, चाहे प्रो ले लीजिए या प्रो प्लस ले लीजिए जो जेटा वेरियंट से मिलता है आपको, उसका 9 इंच साइज हो जाता है, इसका 7 इंच है। इसके कैमरे की जो क्वालिटी है वो भी चेक करा देते हैं एक बार आपको, तो ऐसी कुछ क्वालिटी मिलेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं तो नहीं बोलूँगा कि सुपीरियर क्वालिटी का ही है, लेकिन ठीक ठाक है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, ये जो गाइडलाइंस है ये अडैप्टिव नहीं है, ये सिर्फ आपकी गाड़ी की जो विड्थ है उसको शो करेंगी। यहाँ सेटिंग में पार्क असिस्ट, तो ये लाइनें कम हो जाती हैं आपकी, और गाइडलाइंस हटा सकते हैं या ऑन कर सकते हैं आप, तो दो बटन है, इसके अलावा कोई बटन नहीं है।
बाकी ये चीज एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट ऐसा ही मिलेगा सेम टू सेम। जो चेंज वही है कि इसमें एक यूएसबी के लिए पॉइंट और मिलता है जो आपको सिग्मा में नहीं मिल रहा था। उसके बाद अगला फर्क क्या है कि अब बूट में एक लाइट मिलेगी आपको, ये अंदर इतना देखेंगे जलती हुई दिख रही है ना आपको, ये उसमें नहीं मिलेगी सिग्मा में आपको। बाकी सब चीजें ऊपर वैनिटी मिरर वगैरह सेम है, सेम IRVM है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बाहर निकल के एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें एक्चुअल में फर्क क्या है। ये जो डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों 1.5 लाख के आसपास कॉस्ट करता है एक्स्ट्रा सिग्मा के मुकाबले। सिग्मा से इसमें ज़्यादा क्या मिल रहा है आपको, पीछे एक कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है बाहर, बाकी सेम टू सेम है चीज़ें। उसके बाद पीछे ही पार्सल ट्रे बूट के अंदर एक्स्ट्रा मिलती है जो कि सिग्मा में नहीं मिलेगी। उसके अलावा पीछे बूट लाइट और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जो सिग्मा में नहीं मिलता है। अगर पीछे रियर सीट के एक्सपीरियंस की बात करें तो एसी वेंट्स के नीचे एक चार्जिंग पॉइंट मिलता है आपको, एक सी टाइप एक ए टाइप का जो कि सिग्मा में नहीं मिलेगा। फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट पे बैठेंगे तो आप देखेंगे जो स्टेयरिंग व्हील है दोनों टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्पॉट जरूर करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो बटन है वो फ़र्क है। जो क्रूज कंट्रोल है वो डेल्टा मिलेगा, टेलीफोनिक जो कंट्रोल हो डेल्टा मिलेंगे, जो इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल हो दोनों में मिलेंगे आपको। तो सिग्मा में आपको सिर्फ इन्फोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम वगैरह के जो बटन है सिर्फ वही मिलते हैं, ब्लूटूथ के लिए और क्या बोलते हैं टेलीफोनिक जो कंट्रोल है और क्रूज कंट्रोल है वो सिर्फ डेल्टा में मिलेंगे आपको। उसके बाद एक यूएसबी टाइप का पॉइंट अलग से मिलता है चार्जिंग के लिए, इन्फोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि सिग्मा में नहीं मिलता है। जो ग्लो बॉक्स है उसमें लाइट मिलती है आपको डेल्टा में, जो सिग्मा में नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें यदि आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं, आप चाहते हैं म्यूजिक सिस्टम वगैरह कंपनी फिटेड मिले आपको, तो डेल्टा वेरिएंट के साथ जाएं, ना तो जो सिग्मा वेरिएंट है वो सबसे बेहतरीन वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों मेरे हिसाब से। मैंने भी सिग्मा को ही परचेज किया है, बाकी आपका सोचना और समझने के ऊपर है दोस्तों आप किस प्रकार चीज़ें सोचते हैं। दोनों इवेंट्स जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस प्रकार से वॉक अराउंड और कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।